लेकिन ये पैसेज था। अब मेरी हमेशा ट्रिक होती है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर पैसेज की तरफ जाता हूँ। एन आउट वन आइडिया इज़, अब अच्छा अभी मैं ऑप्शन भी नहीं देख रहा, बस मैं ढूंढूंगा एन आउट वॉर्म आइडिया इज़ ये गाएँ। और दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज़ एन आउटवर्ड आइडिया। इट इज़ नॉट मेयरली गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री बट द पीपल देमसेल्फ हु शुड बी फ्री एंड नो फ्रीडम हैज़ एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वोमेन अनलेस इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। यस, देखो अब इससे बंदा क्या अंदाजा कर रहा है कि ये जो आउट फॉर्म है आइडिया अब क्या हो सकते हैं। अब ऑप्शन देखो, ग्रेट, नॉट न्यू, साइंटिफिक, अनडेवलप। तो ग्रेट क्यों यार? अब जैसा हमारी मिसाल ले लो, तरक्की पज़ीर माशरा, हम कहते हैं उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आप देखें इनकी इलेक्ट्रिक की बदमाशी है, सुई गैस वाले रॉन्ग बिलिंग कर देते हैं, आवाम तो परेशान है। आवाम को ये वाला जो फैक्टर्स है ना, जो ये बड़े लोगों ने, रिच लोगों ने दबा रखा है मिडिल क्लास को, उससे फ्रीडम नहीं मिली। तो ये जो आउट वन आइडिया से मुराद यहाँ क्या हो रही है? ग्रेट की। फिर अगला देखें, द ग्रेट पर्पस मेंशन बाय द राइटर एट द एंड ऑफ द पैसेज रेफर्स टू। एंड ऑफ द पैसेज है ना, तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं एंड से पढ़ूँगा, ठीक है। ऐसे खैर काफ़ी तो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द मेन टास्क विच कन्फर्ड अस इफ़ वी एबल टू टेक आवर राइट प्लेस इन द मेंशन वर्ल्ड। वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक एंड देयर फोर इट इज़ वी हु मस्ट गो फॉरवर्ड एट अ डबल पेस बेंडिंग ऑल आवर रिसोर्सेज एंड ऑल आवर एनर्जीज टू दिस ग्रेट पर्पस। तो ऑफकोर्स यहाँ जो बात हो रही है इससे ग्रेट पर्पस से क्या है, द रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम। रियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम बच्चों,